गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड रूम। आज गुड रूम में मेरा सेकंड डे है और यही था मेरा रूम। एक ही रूम ही अभी भी है और यह चल रहा है अभी भी, एडिट होके अभी फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और सामान सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो ऐसा सब कुछ मुझे पैक करना पड़ेगा। मैं अभी नीचे जाऊंगा, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर थोड़ा यहाँ का जगह आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ का खाना पीना रहना क्या खर्चा क्या नहीं खर्चा सब आपको नीमा जी से ही बात करके बताऊंगा। ठीक है, सामने सामने। तो चलो नीचे जाते और थोड़ा ये सब घूमते। नीमा जी का अभी भी पूरा ये होम स्टे मैंने घूमा नहीं। कल सुबह निकला था वो धोतरे रिम्बिक, तो लोग देखे लिया ब्लॉग, तो वो सब देखते ही देखते मुझे टाइम चला गया। फिर मैं लौटा शाम को 6:30 बजे। कल दोपहर का भी लंच नहीं हुआ मेरा। 2 दिन आया, 2 दिन का लंच नहीं हुआ। तो शायद आज लंच करके मैं निकलूंगा, थोड़ा लेट से निकलूंगा। वो क्यों निकलूंगा वो बाद में आपको बताता हूँ। तो पहले चलो यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये है नीमा जी का डाइनिंग प्लेस। ठीक है, और ये है हमारा नीमा जी। ठीक है, इन्हीं का ही होम स्टे है और ये उनका भांजा। भांजा है ना। तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ आ गया, रोटी ऑमलेट और ये गोभी का सब्जी और ये मटर और प्याज। ठीक है, तो फिलहाल रात का तो खाना मैं फोटो दिखा दूंगा, बढ़िया सा खाना इन्होंने दिया था। ठीक है, और अभी ब्रेकफास्ट करके क्या करूँगा, थोड़ा ये पूरा होम स्टे का नज़ारा और बाकी जो रूम है आप लोग को दिखाऊंगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सब दूंगा, तो पहले देख लो जगह। तो गाइस हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं और यहीं से आपको ऊपर आना पड़ता है, और वहाँ नीचे गाड़ी रखना पड़ता है, बाइक हो कार हो कुछ भी हो। ठीक है, वहाँ से पैदल से ऊपर से ऐसे आता है और ये है होम स्टे। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, मैं और नीमा जी। ये है नीमा जी का नीचे वाला कॉटेज। और सभी जो यहाँ खाना बना नीमा जी बनाता है, मतलब जो होता है सब नीमा जी का ही खुद का मतलब खेती हुआ है। ये देखो मूली कितना पड़ा हुआ है, सब मूली। ठीक है, ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ी वाला वो टमाटो पेड़ है। ठीक है, टमाटो है, मिर्च है, ये वाला मिर्च है, ये देखो काला काला होके रहे हैं, ये वाला मिर्च और वो वाला टमाटो। ठीक है, और नीचे का ये पॉम्पिंग मतलब कुमड़ा। ठीक है, और ये है नीमा जी का मतलब क्या रहता हूँ, काऊ का मकान। काऊ का मकान। तो ऊपर से अभी हम लोग आए उधर से, और ये रोड से निकल के और नीचे उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, भैंस भी बुला रहा है। और यहाँ से नजारा देखो, कितना सुंदर नजारा है, यहाँ से बढ़िया सा नजारा है। और यहाँ बॉनफायर होता है, देखो जी सब सामान रखा हुआ है कबाब वबाब बनाने के लिए। हाँ, ये है कॉटेज। देखो यहाँ एक ट्रिपल बेड है और एक ट्रिपल बेड और एक सिंगल, 7 आदमी यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रुप में आएगा तो ये आराम से रख सकते हो। और यहाँ से नज़ारा भी बिल्कुल समझ रहे हो, ये खिड़की से कितना नज़ारा आपको मिलेगा देखने के लिए, बढ़िया। इस तरफ भी देख लीजिए, यहाँ भी सिंगल बेड और ये डबल बेड, मतलब यहाँ भी 4-5 आदमी आ सकते, ग्रुप में आकर आए हुए 5 आदमी, बढ़िया सा कम्बल वगैरह सब कुछ मिलेगा, साफ सुथरा सब कुछ है, देख लो पूरा साफ ही है अभी। ठीक है, मतलब जब गेस्ट जाता है नीमा जी तुरंत साफ हो जाता है ना, तुरंत साफ हो जाता है। और ये है नीमा जी, ठीक है, यहाँ का ओनर। और ये पूरा ही नीमा जी का खेती का पूरा जगह ना, ये पूरा जगह जो है ये नीमा जी का ही है। ठीक है, ये कॉटेज भी और उधर वो देखो। ठीक है, बाजू में जो घर है वो किचन है और नीमा जी खुद फैमिली लेके रहता है। और
देखो कितना सब फ्लावर, और भी फ्लावर रहता है लेकिन अभी उतना नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना। तो नीमा जी आप बताइए, तो यहाँ जो कोई आएगा तो उसका खाना पीना खर्चा रहना पीना वो कैसे आएगा, थोड़ा ये आप डिटेल में बता दीजिए। हाँ, आप लोग को आने से एनजीपी से आप लोग को रिजर्व गाड़ी भी मिलेगा, आप लोग को दार्जिलिंग मोड़ से आप लोग को शेयरिंग कार भी मिलेगा, शेयरिंग कार भी मिलेगा और रिजर्व भी मिलेगा। आप लोग को रिजर्व जब कोई आएगा तो आप कांटेक्ट करके बुक करते हैं। ओके सर जी, आप लोग को शेयरिंग कार आप लोग को तीन जगह का मिलेगा, सुखिया पोखरी माने बनी रिम्बिक का गाड़ी मिलेगा सर। इधर आने के लिए आप लोग को रिम्बिक का गाड़ी मिलेगा तो मेरा होम स्टे का नीचे उतर देगा सर। तो पर्सनल कार चाहिए तो नीमा जी आपको बुक कर देंगे, ठीक है। अगर आपका खुद का भी बुकिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जैसे आ सकते हो। और दूसरा बात है शेयरिंग टैक्सी जो है वो तीन जगह का है, मैंने कल सुन लिया, माने मंजन तक 350 लेता है और रिम्बिक वाला जो सीआर टैक्सी आता है वो आपको पूरा यह उतर देगा, तो उसमें आता है 450 to 500 लेता है पर पर्सन, ठीक है। वो आपको सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग मोड़ से मिलता है, दोनों जगह से मिलेगा। रिम्बिक का दार्जिलिंग मोड़ से सरकार गाड़ी से मिलेगा। अच्छा, रिम्बिक का दार्जिलिंग मोड़ से ही मिलेगा। और माने मंजन अगर आओगे तो सीआर टैक्सी में तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ से एक कार लेना पड़ेगा, छोटा वैन, मतलब आपको छोड़ देगा ये होमस्टे तक, वो 300 रुपये फेयर लेता है ना। तो नीमा जी आप कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा मैं, तो नीमा जी से बात करके आप बुक कर सकते हो। और खुद का कार या बाइक से आओगे तो लोकेशन तो एकदम सही है, ठीक है। आप यहाँ पार्किंग वार्किंग वगैरह सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ खाना जो मैं दो दिन से रहा हूँ, जो खाना खाया हूँ, मतलब आप देख सकते हो, मैं खाना का वीडियो नहीं लूँगा, एक फोटो में दिखाऊंगा कितना सारा आइटम मैं खत्म नहीं कर पाया, इतना खाना दिया। और सुबह अभी ब्रेकफास्ट तो दिखा दिया। नीमा जी पर पर्सन का कितना खर्चा आता है? हाँ, पर पर्सन का मेरा सीजन वाइज रेट रहता है, वो सीजन में वही 1000 to 1200 तक पर पर्सन, ऑफ सीजन में 800-900। सीजन में 1000-1200 तक जाता है, ठीक है। थोड़ा ऑफ सीजन में आपको 800-900 में मिल जाता है, खाना पीना सब लेके, ठीक है, फूडिंग लॉजिंग मिला के। और चाय तो अनलिमिटेड है, दार्जिलिंग वाला पूरा टी देगा आपको अनलिमिटेड, जितना बार आप चाय पियोगे उतना बार चाय देगा। तो चलो ऊपर आपको थोड़ा किचन डाइनिंग स्पेस और एक बार दिखाता हूँ, और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही चुके हो, ठीक है, बढ़िया सा नज़ारा। और एक बात, आप लोग यहाँ से ट्रेक भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो यहाँ से छोटा छोटा टुमलिंग का ट्रेक होता है और छितरे का ट्रेक होता है, ये आसपास में जो सिंगनेला पार्क का जो नसरा, पूरा सिंगनेला नसरा पार्क में ही होता है, तो ये सब ट्रेक आप कर सकते हो साइट सीन में। अब अगर थोड़े से थोड़ा आगे जाओगे रिम्बिक की तरफ, उधर आपको सीखोला मिलेगा, मोमो खोला मिलेगा, ठीक है, और कुछ कुछ आपको वाटरफॉल्स मिलेगा। और नीमा जी से भी पूछ लेंगे, आप लोग को गाइड कर देगा कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये जगह कहीं जाने का नहीं है, यहाँ आओ, शांति सा जो जगह होता है ना ये वही है, ठीक है। अब एकदम साइलेंट जो है, कोई चिल्ला मिलने हर मल्ली नहीं है, चुपचाप रहो, खाओ पियो और अपने रूम से ही ये व्यू को एंजॉय करो, पूरा व्यू देखो ना क्या ही नज़ारा, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये है किचन जहाँ खाना वाना बनता है, पूरा ही साफ सुथरा आप देख सकते हो। और ये है अंकल आंटी, मतलब नीमा जी का पापा और मम्मी, खाना वाना इन्हें ही बनाता है, और बहुत स्वादिष्ट खाना था आप लोग का, मतलब दो दिन से मैं खाया हूँ ऐसा खाना, मतलब कभी किसी होमस्टे में नहीं खाया है। मैं नीमा जी को बार बार बता रहा हूँ, हाँ देखो अभी खाना बन रहा है क्योंकि आंटी जी का गेस्ट आएगा इसलिए खाना हो रहा है। अंकल आंटी, अब इसको तो पहचान ही गया, ठीक है, ये नीमा जी का भांजा है। दीदी नहीं है, दीदी कहाँ गया? गया है, अच्छा, पशुपति, ओके ओके। तो चलो ये भी आप लोग को दिखा दिया, मतलब यह जो रहना पीना खाना और यहाँ का जो क्लीन रहता है ना सब कुछ चीज, ठीक है, खाना बोलो, बर्तन बोलो, रूम वगैरह बोलो, सब कुछ बोलो, मतलब इतना सस्ते में आप लोग को यहाँ इतना कुछ मिलेगा। और खाने का आइटम तो आप देख ही लिए होंगे कितना सारा आइटम मुझे दिया था,
मैं खत्म नहीं कर पाया, ठीक है खाना दो दिन से ही खत्म नहीं कर पाया। तो चलो ऊपर भी रूम में था, उस वाला ऊपर रूम में वो वाला थर्ड फ्लोर में ये वाला, ठीक है यहाँ से बढ़िया सा व्यू आता है और सनराइज यहाँ से होता है, इधर से यहाँ से इधर से सनराइज जब होता है तो आप पूरा रूम से मतलब बिस्तर में सो सो के देख सकते हो, मतलब सिर्फ पर्दा को हटा दो वो खिड़की सब लोग को दिखाएगा, ठीक है सब दिखेगा कितना बढ़िया। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, ठीक है यहाँ से, तो चलो मैं ऊपर जाके भी आप लोग को ऊपर से भी कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। और ये सेकंड फ्लोर वाला जो रूम है, ये मेरा वाला तो अभी गंदा है उसको छोड़ो, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से बढ़िया सा व्यू देखो, और ये है रूम देखो, एक सिंगल बेड, ठीक है डबल बेड, ये ट्रिपल बेड, बढ़िया सा। ये है बाथरूम देखो, कमोड भी है सब कुछ मतलब ठीक ठाक है, यहाँ बेसिन भी है, ठीक है देखो यहाँ एक आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिलेगा, उसमें एक मिरर भी मिलेगा, जैसे मैं अभी टोपी ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ठीक लग रहा है ना मुझे। हाँ और ये दूसरा वाला रूम, इसमें भी देखो इसमें भी छह आदमी रह सकता है, उधर एक बैठने का जगह भी है, बाथरूम भी उधर है, यहाँ एक टेबल भी है, इधर एक मिरर भी है, सब कुछ है, छोटा एक बच्चा का पिक्चर भी है, कैलेंडर तो देख सकते हो। और यहाँ नीमा जी ने बहुत सारे फ्लावर रखा हुआ है, लेकिन अभी मीना जी बोल रहे हैं बहुत कम फ्लावर है, सीजन नहीं है, इसलिए सीजन होगा तो और भी फ्लावर होगा। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 1 बज रहा है, और अभी हो रहा है मेरा एक वीडियो अपलोड, ठीक है तो यहाँ नेट थोड़ा स्लो है मेरा, फिर भी जियो का 5G चल रहा है, तो और आज मैं यहाँ रुकूंगा, मतलब आज मैं नहीं निकलूंगा, आज मेरा नेपाल जाने का था लेकिन नहीं निकलूंगा, इसके कारण कारण है हम लोग का ग्रुप आ रहा है, ठीक है जो जो मैंने आप लोग को पहला वीडियो में बताया था, तो इसलिए मैं भी यहीं रुक गया। और ये देखो मेरे पीछे कौन, ठीक है हाय कर दो, तुम्हारा नाम बता दो। तेंजी शेरपा, ये मेरे साथ ही अभी सुबह से ही है, मतलब मैं एडिट कर रहा हूँ वो देख रहा है, ठीक है तो आज शाम को हम दोनों फिल्म देखेंगे, प्लान बनाया है फिल्म देखेंगे ना, एक्शन का फिल्म क्या, आज दोनों फिल्म देखेंगे। तो फिलहाल अभी काम हो रहा है, ठीक है ये पहले इसको अपलोड करने देते, ठीक है अपलोड होने के बाद फिर मुझे एक एडिट में बैठना है, एडिट वेडिट करके फिर हम लोग यहाँ थोड़ा निकलेंगे, और अभी जाएंगे ये बुलाने आया है मुझे, खाना तैयार हो गया ना, तो खाना तैयार हो गया अभी खाना खाने जाएंगे, खाना खा के फिर थोड़ा बहुत एडिट कर लूंगा जितना हो सके, आज पूरा दिन यहीं पे हूँ तो क्या करूँगा, एडिट कर लूंगा। और बाहर का कुछ मौसम ऐसा ही है, और निमा जी का आज कुछ गेस्ट आने वाला है शायद, वो लोग आ गया नीचे आ रहे ऊपर, ठीक है तो चलो मैं फिलहाल अभी नीचे जा रहा हूँ लंच करने के लिए, लंच करके फिर ऊपर आके बात करते हैं, ठीक है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा पूरा दिन ये वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल पेट पूजा कर लेके आए, और चलो क्या खाना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सो गाइस निमा जी ने खाना दे दिया, इधर खाना एक बार देख लो, आज भी इतना सारा आइटम, ठीक है देखो ये है अंडा, ये है पंपिंग का सब्जी, दाल साग सलाद, ये भी टमाटर का अचार, ये किसी चीज़ का पकौड़ा, और ये फ्रेंच फ्राई, ठीक है ये है क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, पापड़ राइस आलू चोखा, बस ये गर्म पानी। तो चलो फिलहाल मैं खाता हूँ, इसको ख़त्म करना पड़ेगा आज, दोपहर में दिया है, ठीक है रात में नहीं दिया, चलो ख़त्म करते हैं। तो गाइस यही था यहाँ होमस्टे का, निमा जी का होमस्टे का इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दिया, बहुत पहले ही मुझे यहाँ आना था लेकिन काम के सिलसिले में आया, निमा जी से बहुत बार मुझे बात होता है तो बहुत दिन के बाद फाइनली अब आया और ये जगह को एक्सप्लोर भी किया, यहाँ से दूर पे जाके भी एक्सप्लोर किया, ठीक है अगर आप लोग यहाँ 2-3 दिन का प्लान बनाते हो तो यहाँ से आप लोग धोतरे छितरे ये सब घूम सकते हो। अच्छा निमा जी यहाँ से ट्रेकिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं?
यहाँ आप लोग को यहाँ का सर्ट ट्रेकिंग आप लोग को चम्बर खोलाबाट फल्स यहाँ से अगर कोई अगर आके रहेगा थोड़ा लोकल कुछ घूमेगा तो उसके लिए क्या है? एक वाटरफॉल्स दामाखला वाटरफॉल्स, वो कितना दूर? वो आप लोग अच्छा 2.5 किलोमीटर का। अच्छा आप लोग को पाइन फॉरेस्ट सर, पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। अच्छा चित्रे लामे अच्छा बहुत सारी है घूमने का, मतलब दो दिन आने से आदमी घूम सकते हैं सब ना। तो ये सब ट्रेक नीमा जी ने बता दिया, आप सुन लियो। तो अगर किसी को आना है प्लान बनाने तो खुद फोन कर लो नीमा जी को, सब बता देगा आपको, प्राइस भी बता देगा, कहाँ कहाँ घूमना है वो भी बता देगा, कितना दिन रहना है वो भी बता देगा, ठीक है। और खाना पीना तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, खाना पीना का कोई बात ही नहीं होगा, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना और इतना सारा आइटम, इतना सारा आइटम मुझे मिलेगा, मैं तो खाना खत्म भी नहीं कर पाया। बस नीमा जी को बोला ये सब ले जाओ, मुझे सो दो तीन आइटम दो बस हो जाएगा। दाल सोचो, दाल से तो मैं चावल खा लिया, कितना सुंदर दाल था, ठीक है। शाम को भी आपको गरम गरम पकौड़ा मिलेगा, चाय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी है, रोटी है, पूरी है, ऑप्शन है, आप जो खा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा, ऑमलेट पमलेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। और एक्स्ट्रा कुछ खाना पीना होगा तो अलग से मिलता है, कोई अगर बॉनफेयर करेगा तो उसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज, बॉनफेयर में जो होता है उसका सब एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप खुद ही खुद बात कर लेना, उसका क्या प्राइस, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं पूछा भी। तो आप जब बुकिंग करोगे फोन करना, डिटेल्स में आप लोग को बता दे। और यहाँ पर ATM वगैरह थोड़ा दूर में है, मैंने मंदिर मंजन के तरफ आपको ATM वगैरह मिलेगा, ये जगह में कुछ नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब यहाँ आओगे थोड़ा कैश कैरी करना, ठीक है, और पहले से ही यहाँ का जो पेमेंट होता है थोड़ा कैश लेके आना, मतलब नीमा जी ऑनलाइन उतना नहीं लेता है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है इसलिए, बस यही जानकारी देना था। और नीमा जी का नंबर नीमा जी खुद बता देंगे, नीमा जी आपका नंबर बता दीजिए। मेरा फोन नंबर 7585880114। अच्छा एक ही नंबर है? yes. इसमें व्हाट्सएप कॉल दोनों ही? yes, ठीक है, तो नंबर आप लोग सुन ही लियो, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये है नीमा शेरपा होम स्टे गुरुदुम, है ना। तो चलो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और ये व्लॉग कैसा लगा और नीमा जी का होम स्टे में दिखाया घूम के वो भी कैसा लगा जरूर कमेंट में करना। और किसी को बुकिंग करना है तो डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है, कोई एजेंट वगैरह कुछ बात नहीं है, डायरेक्ट कॉल करना और अच्छा लगेगा, घूम जाओ एक बार। देखो मैं ऐसा बार बार करता हूँ, जो जगह मुझे अच्छा लगता है मैं उसके हिसाब उसके उसके बारे में ज़्यादा रिकमेंड करना आने के लिए। तो आप लोग भी आओ, घूमो, रहो, शांति मिलेगा। और सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर ना, ज्यादा क्राउड नहीं है, मतलब दार्जिलिंग की जैसा दूसरा कोई जगह होता है, आदमी ज्यादा रहता है, गाड़ी का आवाज पॉल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन ये है ना शांति, सुबह शाम आप खाना खाओ, रहो, एंजॉय करो, दोस्त के साथ आओ, बॉनफायर करो, सब कुछ अलाउड है यहाँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो, तो कैसा लगा बताना वीडियो को कमेंट में। टाटा बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।